वेल हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेक दैट मैटर में। दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है वो वन प्लस टेन आर 5G फोन, यानी कि जो वन प्लस की तरफ से रिसेंट मिड रेंज फ्लैगशिप फोन जो लॉन्च हुआ है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके क्या क्या स्पेसिफिकेशन है और लास्ट में मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा। तो डेफिनेटली वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, बीच में प्लीज स्किप मत कर देना। दोस्तों सबसे पहले अगर बात की जाए इस फोन के बारे में, ओवरऑल ये फोन दिखने में कैसा है तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों। फ्रंट जो है वो काफी अच्छा है, बैक भी काफी अच्छा है दोस्तों, बट मुझे बैक का जो डिजाइन है दोस्तों वो इतना कुछ खास पसंद नहीं आया, क्योंकि काफी थोड़ा डिफरेंट लुक है दोस्तों और एक काफी नॉन वन प्लस टाइप का अगर मैं पोर्ट्रे करना चाहूँ मैं कैसा फील करता हूँ इस फोन के बारे में। तो और दोस्तों वैसे इस फोन का नाम वन प्लस टेन आर 5G है, जो कि 150 वॉट सुपर वुक एंड्योरेंस एडिशन के साथ आता है। अब दोस्तों 150 वॉट अपने आप में एक काफी ज्यादा पावर है दोस्तों किसी भी एक स्मार्टफोन के लिए। इतना सारा स्मार्टफोन है उसमें आप इतना बड़ा जो उसका चार्जिंग ब्रिक है उससे आप चार्ज करते हैं उसको, तो डेफिनेटली काफी ज्यादा पावर है दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं दोस्तों इसके क्या क्या फीचर्स है दोस्तों, हर एक फीचर को कवर करेंगे। तो दोस्तों अगर बात की जाए सबसे पहले इसके प्रोसेसर के बारे में, तो इसमें दोस्तों मीडियाटेक डायमेंसिटी 8100 मैक्स यूज किया गया है दोस्तों। अब OnePlus के तरफ से ये बोला जा रहा है कि ये जो प्रोसेसर है वो स्पेशली OnePlus के लिए बनाया गया या फिर स्पेशली OnePlus के लिए ट्यून किया गया है दोस्तों। डेफिनेटली ये प्रोसेसर आने वाले कुछ महीनों में हमें और फोन्स में देखने को मिल सकता है, बट अभी के लिए OnePlus में अवेलेबल है दोस्तों। ये प्रोसेसर आपका 5 नैनोमीटर के डिजाइन पे बेस्ड है दोस्तों, तो डेफिनेटली आपको परफॉर्मेंस काफी ज्यादा फास्ट मिलने वाली है इसमें, नो डाउट। और वन प्लस के फोन ऐसे भी दोस्तों आपको परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं अगर कंपैरिजन दूसरे स्मार्टफोन के कंपेयर में अगर देखा जाए तो। अब दोस्तों वन प्लस का क्लेम इसमें ये भी है कि आपको इस प्रोसेसर से जो है वो मैक्सिमम पावर देखने को मिलती है, इसमें आपको गेमिंग एआई और नाइट स्लीप का जो वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर है वो काफी अच्छा देखने को मिलेगा। अब दोस्तों ये जो फोन है वो ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में खरीदने के लिए, आप आइदर वन प्लस स्टोर से खरीद सकते हैं या फिर अमेजोन से खरीद सकते हैं दोस्तों ऑनलाइन, या फिर क्रोमा या रिलायंस रिटेल आउटलेट से भी खरीद, और जो इसके दोस्तों डिफरेंट पार्टनर्स है वहां से भी खरीद सकते हैं। बट दोस्तों बात अगर की जाए यहाँ पे इसके प्रोसेसर के बारे में, तो ये इतना पावरफुल प्रोसेसर है तो डेफिनेटली दोस्तों आपको हीट काफी ज्यादा देखने को मिल सकती है दोस्तों। भले ही कंपनी कितना भी क्लेम कर दे इसमें कि ये पावरफुल है वो पावरफुल है, बट पावरफुल होने के बाद भी दोस्तों आपको हीट काफी ज्यादा देखने को मिलती है दोस्तों। तो इस हीट को दोस्तों टैकल करने के लिए वन प्लस की तरफ से वर्डिंग्स आया है कि इसमें ग्रेफिन और ग्रेफाइट का यूज किया गया है दोस्तों, जो कि आपका 60% इम्प्रूव कूलिंग देने वाला है दोस्तों आपके फोन को। आइदर आप इसमें गेम खेलते हैं या फिर हाई लेवल एडिटिंग करते हैं दोस्तों, कोई भी हैवी वर्क इस पे आप फेंक दो ये फोन आराम से संभाल लेगा, ऐसा वन प्लस की तरफ से बोला जा रहा है। अब अगर बात की जाए दोस्तों इसके डिस्प्ले के बारे में, तो इसमें आपको 6.7 इंचेस का एक 120 हर्ट्ज फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है दोस्तों, यानी FHD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है दोस्तों, और ये 720 हर्ट्ज के टच सैम्पलिंग रेट को भी सपोर्ट करता है दोस्तों। तो ये एक अच्छी बात है दोस्तों कि आपको वन प्लस के फोन में कंसिस्टेंटली 90 हर्ट्ज या उसके ऊपर का ही रिफ्रेश रेट स्क्रीन देखने को मिलता है दोस्तों। और मुझे पर्सनली वन प्लस के जो स्क्रीन है वो काफी अच्छा लगता है दोस्तों, काफी उसमें वाइब्रेंट कलर है दोस्तों। अगर और इस डिस्प्ले के बारे में बात की जाए तो इसमें आपको HDR10 प्लस का सपोर्ट मिलता है दोस्तों, इसमें आपको 10 बिट कलर का सपोर्ट मिलता है दोस्तों, तो डेफिनेटली आपको काफी विविड कलर्स देखने को मिलेंगे, आपको काफी अच्छा एक व्यूइंग एक्सपीरियंस होगा दोस्तों। जहां तक ब्राइटनेस की बात है दोस्तों, इसमें 950 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी हुई है, तो ये मुझे थोड़ा सा कम लगा क्योंकि आजकल जनरल स्मार्टफोन में दोस्तों आपका 1000 अबव निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, बट डेफिनेटली इस फोन का जो प्राइस है उसके अकॉर्डिंग आई गेस जस्टिफाई करता है। और अगर बात की जाए दोस्तों इसमें क्या खास है इस डिस्प्ले में, तो दोस्तों इसमें आपको अडैप्टिव फ्रेम रेट का सपोर्ट देखने को मिलता है, यानी आपके स्क्रीन के अकॉर्डिंग आप जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग 60 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज में ये जो फोन का स्क्रीन है वो खुद ब खुद एडजस्ट हो जाता है, जिससे आपको बैटरी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छे देखने को मिलेगी दोस्तों। अब दोस्तों अगर बात की जाए हमारे सबसे प्यारे स्मार्टफोन में यूज होने वाले फीचर की, यानी कि कैमरा दोस्तों, तो इसमें जो कैमरा है दोस्तों आपको ट्रिपल लेआउट का कैमरा देखने को मिलता है बैक साइड में, यानी कि आपको 50 मेगापिक्सल का IMX का
766 सोनी का सेंसर देखने को मिलता है दोस्तों, जो कि आपको डेफिनेटली एक काफी अच्छा फोटो और वीडियो एक्सपीरियंस देने वाला है दोस्तों। और अगर बात की जाए अदर दो कैमरास के बारे में, तो इसमें आपको एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है, जो कि 119.7 डिग्री अल्ट्रा वाइड एंगल व्यू आपको देता है, और 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है और एलईडी फ्लैश। अब दोस्तों बात की जाए अगर इसके कैमरा फीचर्स के बारे में, तो OnePlus की तरफ से क्लेम ये किया गया है कि इसमें आपको नाइटस्केप 2.0 देखने को मिलता है, जो कि आपको नाइट वीडियोग्राफी और नाइट फोटोग्राफी में काफी ज्यादा एक अच्छा इम्प्रूवमेंट दे सकता है। अब तो ये बात दोस्तों तभी पता चलेगी जब ये एक्चुअल मार्केट में काफी ज्यादा लोग इसे टेस्ट करेंगे दोस्तों, तो तब तक के लिए वेट करते हैं। बट डेफिनेटली OnePlus के फोन से दोस्तों अगर इन जनरल देखा जाए तो काफी अच्छा एक फोटो और वीडियो एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों। और अगर बात की जाए दोस्तों इसके फ्रंट कैमरा में, तो इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का एक कैमरा देखने को मिलता है, पंच होल डिजाइन है दोस्तों इसमें, और ये एक फ्लैट बॉडी डिजाइन के साथ आता है दोस्तों, यानी कि जैसा आपको OnePlus 12, 13 और डेफिनेटली 14 में देखने को मिलने वाला है दोस्तों, यानी कि इसका जो एक फ्लैट एज डिजाइन है ये उसी डिजाइन को फॉलो करता है। और अगर दोस्तों बात की जाए इसके कलर वेरिएंट की, तो ये दो कलर में अवेलेबल है दोस्तों, एक आपका जो फर्स्ट कलर है दोस्तों वो सीरिया ब्लैक है, और जो सेकंड कलर है वो फॉरेस्ट ग्रीन है। अब मुझे दोनों ही कलर में से मैं अगर पर्सनली कहूँ तो मुझे फॉरेस्ट ग्रीन ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि टिपिकल ब्लैक कलर आपको दोस्तों हर एक फोन में देखने को मिलेगा, ब्लैक एंड व्हाइट एक ऐसा कलर है दोस्तों जो हर एक फोन मैन्युफैक्चरर आपको डेफिनेटली अपने फोन्स के हर एक मॉडल में देता है दोस्तों। अब ब्लैक एक ऐसा कलर हो गया है दोस्तों कि आप अगर उससे हटके लेना चाहें तो डेफिनेटली आप एक कलर्ड ऑप्शन पे जाएं, बट अगर आपको सिंपल ब्लैक पसंद है या फिर अगर आप डेफिनेटली केस यूज करेंगे, तो फिर आई डोंट थिंक कि कलर कोई उतना मायने रखता है, अनलेस एंड अंटिल आप एक ट्रांसपेरेंट केस यूज करते हैं दोस्तों। तो और अगर इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स की बात की जाए दोस्तों, अब मैं एक्स्ट्रा फीचर्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये हर एक फोन में कुछ ना कुछ ट्वीच करके देखने को आपको मिलते हैं दोस्तों, सेम फीचर रहता है बट हर एक फोन इसे डिफरेंट तरीके से पोर्ट्रे करता है मार्केट में लोगों के लिए। तो अगर आपको इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स की बात की जाए दोस्तों, तो इसमें आपको हाइपर बूस्ट देखने को मिलता है, इसमें आपको इंडिपेंडेंट ग्राफिक चिपसेट देखने को मिलता है दोस्तों, जो कि आपके गेमिंग परफॉर्मेंस को काफी ज्यादा इंप्रूव करेगा दोस्तों। और इसमें आपको जो है वो एम्प कनेक्ट टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है और नाइटस्केप 2.0 देखने को मिलता है दोस्तों। अब एम्प कनेक्ट टेक्नोलॉजी क्या है दोस्तों, इसमें OnePlus की तरफ से बोला क्या जा रहा है कि आपके वाईफाई और ब्लूटूथ के सिग्नल को काफी ज्यादा स्टेबल और स्ट्रॉन्ग रखता है दोस्तों, जिसमें से कि आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा अच्छा होगा, आपको लैग देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों, और आपको फ्रेम ड्रॉप्स देखने को नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट आपका जो इंडिपेंडेंट ग्राफिक चिपसेट है दोस्तों, ये आपका फ्रेम्स ऐड करता है एक किसी भी कंटेंट को कंज्यूम करते हुए, या फिर आप अगर गेम खेल रहे हैं तो उसमें, तो डेफिनेटली आपको एक स्मूदर एक्सपीरियंस देखने को मिल सकता है इस फोन से। बट दोस्तों मुझे इसमें सबसे डिसअपॉइंटिंग बात क्या लगी OnePlus की तरफ से, कि OnePlus जो है दोस्तों वो अपने ऑक्सीजन OS सॉफ्टवेयर के लिए भी जाना जाता था दोस्तों, जो कि एक काफी ज्यादा नीट एंड क्लीन सॉफ्टवेयर है, जो आपके यूज में है सिर्फ वही रहेगा, जो यूज में नहीं है वो आपको OnePlus देता ही नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली आप उसे इंस्टॉल कर सकते थे गूगल प्ले स्टोर से। बट दोस्तों अब क्या हो रहा है कि OnePlus और जो ओप्पो का जो अपना कलर OS है वो दोनों मर्ज हो गया है दोस्तों, तो एक काफी आपको ओपोश फील देखने को मिलेगा दोस्तों। पहले मुझे ऑक्सीजन OS जो है 11 तक वो काफी अच्छा लगा था दोस्तों, उसका यूजर एक्सपीरियंस काफी अच्छा था, बट इस बार जो 12.1 ऑक्सीजन OS है दोस्तों, ये मुझे काफी ओपोश वाला फील देता है, या फिर मैं ये बोलूं तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है डेफिनेटली दोस्तों। अब आपका ओपिनियन क्या है आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये फोन कैसा लगा, या फिर आप इस फोन को खरीदना चाहते हैं या नहीं दोस्तों। उससे पहले हम बढ़ते हैं प्राइसिंग की ओर दोस्तों, मैं आपको बताऊं दोस्तों इस फोन की प्राइसिंग के बारे में, तो ये काफी वेल प्लान्ड प्राइसिंग है दोस्तों OnePlus के तरफ से, एक ऐसा सेगमेंट में रखा गया है जहां पे आपको कंपटीशन डेफिनेटली देखने को मिलता है दोस्तों, बट उतना भी नहीं जितना हमें लगता है। अगर डायरेक्टली इसकी प्राइसिंग की बात की जाए दोस्तों, तो इसमें भी आपका जो फोन है वो दो वेरियंट में आता है। अब दो वेरियंट यहाँ 8GB 128 और 12GB 256GB के अलावा है दोस्तों, यानी कि आपको ये फोन एक 150 वॉट के चार्जिंग ब्रिक के साथ मिलता है और एक 80 वॉट के चार्जिंग ब्रिक के साथ मिलता है दोस्तों। तो यहाँ पे OnePlus जो है थोड़ा सा गेम खेला है दोस्तों, पता नहीं क्यों वो ऐसे लॉन्च किया, अगर उसको लॉन्च करना था तो डेफिनेटली 150 वॉट के साथ ही दोनों वेरियंट लॉन्च कर सकता था। बट अगर प्राइसिंग की बात की जाए दोस्तों, इसमें आपको 8GB और 128GB 80 वॉट सुपर बुक के साथ जो मिलता है, जिसमें 5000mAh की बैटरी है, उसका जो प्राइस है दोस्तों वो 38,999 है, जो 12GB 256GB का है, 80 वॉट
सुपरबुक और 5000 mAh के साथ। इसकी प्राइसिंग 42,999 है और जो इसका हाईएस्ट वेरिएंट है 12GB 256GB, बट इसमें आपको 150 वॉट का सुपरबुक, लेकिन जो बैटरी है दोस्तों वो 4500 mAh यानी कि 500 mAh आपको लेस मिलेगी, लेकिन इसका जो प्राइसिंग है दोस्तों वो 43,999 है। अब यहाँ पे सिर्फ 1000 का डिफरेंस है दोस्तों आपको अगर 80 वॉट और 150 वॉट में अगर चूज करना है तो। अब डेफिनेटली OnePlus के फोन में 80 वॉट का सुपरबुक ऑलरेडी पिछले वेरिएंट्स में देखने को मिल चुका है दोस्तों। OnePlus ही एक ऐसा डिवाइस था जो कि काफी लंबे समय तक 20 वॉट के चार्जिंग को सपोर्ट करता था। अब दोस्तों देखते हैं कि ये फोन कैसा परफॉर्म करता है, जितना टाइम होगा इसे मार्केट में आने के बाद उतना ज्यादा और इसके बारे में पता चलेगा दोस्तों कि ये रियल लाइफ सिनेरियो को कैसे हैंडल करता है। आपका क्या ओपिनियन है दोस्तों इस फोन के बारे में, आप नीचे मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें।